Morning students, how are you? I hope you all are doing well and have done your homework. Good. चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है पता है ना? रोज की तरह attendance बनाना है and you all know the process. Comment section में जाना है और वहां पे अपना नाम लिख देना है ना? और अगर आपसे attendance नहीं बनता है तो अपने parents को बोलिए, वो आपका attendance बना देंगे, ठीक है? चलिए तो सबसे पहले एक काम कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. ओके, चलिए तो अटेंडेंस बना लिया आप लोगों ने, वेरी गुड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास. पिछले क्लास में मैंने आपको कलर्स नेम के बारे में पढ़ाया था, है ना? हम लोगों ने लगभग 15 कलर के बारे में जाना कि उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, है ना? उसमें से बहुत सारे ऐसे थे जो आपको पहले से पता था, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी थे जिनके बारे में आपने कल जाना होगा. और आपको मैंने उसे याद करने के लिए भी दिया था होमवर्क में, एंड आई होप कि आपने उसे याद करके सुनाया होगा. पर जिन लोगों ने सिर्फ अब तक नोट किया है, नहीं सुनाया है, वो जल्द से जल्द याद करके सुना देंगे, ठीक है? और जिनकी क्लासेस छूट गई हैं पिछली वाली, वो प्रीवियस वीडियो देखेंगे और उसे नोट करेंगे, फिर याद करके वो भी सुनाएंगे, ठीक है? चलिए तो आज भी जो है हम लोग सेम टॉपिक ही पढ़ेंगे, कलर्स नेम, क्योंकि उस दिन मैंने 15 ही लिखाया था, बाकी के 10 जो है वो मैं आज लिख पाऊंगी, ठीक है? चलिए तो नोटबुक ओपन कीजिए और साथ में पेंसिल इरेजर भी रखिएगा, ठीक है? मैं लिखूंगी तो आप लोग भी लिखेंगे, लेकिन जब मैं समझाऊंगी तो उस समय सिर्फ समझना है, ठीक है? लिखना बाद में है. ओके, चलिए तो पहला जो है वो हम लोग लिखते हैं PEACH. इसको पढ़ना है पीच, और पीच जो है वो मैंने एक बार आपको फ्रूट में भी लिखवाया था. फ्रूट्स नेम में मैंने ऑरेंज लिखाया था जिस तरीके से, उसी तरीके से पीच भी जो है फ्रूट का नाम है, लेकिन पीच कलर भी है जो कि हल्के गुलाबी रंग का होता है. पीच का कलर जो होता है हल्का गुलाबी होता है, ठीक है? तो या तो आप डायरेक्ट लिखिए पीच, पीच मीन्स पीच कलर है, या हल्का गुलाबी रंग. ओके, चलिए नेक्स्ट है INDIGO. इसको पढ़ना है इंडिगो, ठीक है? और इंडिगो का मतलब होता है नील, ठीक है? हम लोग जो सफेद कपड़े में ब्लू कलर का पानी में नील डालते हैं सफेद कपड़े को में चमक लाने के लिए, वही जो ब्लू कलर है वो नील के पेड़ से आता है, ठीक है? इंडिगो जो है एक प्लांट का नाम है, नील के पेड़ का नाम है, पौधे का नाम है जिससे नील बनता है, ठीक है? तो नील जो है वो एक कलर भी है और ये एक प्लांट भी है, ठीक है? चलिए तो इसका लिखेंगे हम लोग गहरा नीला. जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि जिस तरीके से सफेदी लाने के लिए हम लोग नील का इस्तेमाल करते हैं, वही नीला रंग अभी जो मैं इस मार्कर से लिख रही हूँ, इसमें जो हम लोग इंक डालते हैं वो भी वही इंक है, इंडिगो ही है, नीला रंग ही है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है आपका GOLDEN. इसको पढ़ना है गोल्डन, है ठीक है? जैसे गोल्ड मीन्स क्या होता है, सोना. तो सोने का कलर क्या होता है, पीला, लेकिन वो सुनहरा पीला होता है.
तो उसी से बना है गोल्ड से गोल्डन, गोल्डन मीन्स सुनहरा, सुनहरे रंग का, ठीक है। ये भी एक कलर, येलो में थोड़ा चमकता हुआ कलर जो कि कहलाता है गोल्डन सुनहरा। चलिए नेक्स्ट है SILVER, सिल्वर, इसको पढ़ेंगे सिल्वर। जिस तरीके से गोल्डन जो है गोल्ड कलर से बना है, तो सिल्वर जो है वो खुद ही एक कलर है, और सिल्वर वैसे चांदी को बोलते हैं, है ना। तो चांदी का कलर क्या होता है, मेटल कलर होता है, मतलब व्हाइट में थोड़ा सा वो भी चमक वाला होता है। तो इसका कलर हम लिखेंगे रजत या फिर चांदी रंग का। ओके चलिए नेक्स्ट है NAVY, है ना। NAVY इसको पढ़ेंगे नेवी। नेवी जो होता है वो भी गहरा नीला रंग होता है। आप लोग सुनते होंगे बहुत से कि नेवी ब्लू, है ना, बोला जाता है कि नेवी ब्लू कलर है या उसका नेवी कलर है, तो वो गहरे नीले रंग को बोला जाता है, ठीक है। इंडिगो जैसा गहरा नीला नहीं होता है, ब्लू का भी जो डार्क कलर आता है ना उसे नेवी ब्लू कहते हैं, ठीक है। चलिए इसका लिखते हैं गहरा नीला। चलिए तो फिलहाल तो इतना ही यहाँ पे आया, तो पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग इसको वाइप करके आगे लिखेंगे। ओके लिखने का तरीका देख लीजिए, सबसे पहले तो सब्जेक्ट नेम, उसके बाद राइट एंड रिमेम्बर मतलब लिखिए और याद कीजिए, उसके बाद टॉपिक आपको लिखना है लाइन में, कलर्स नेम विद्या हिंदी मीनिंग, रंगों के नाम उनके हिंदी अर्थ सहित, और उसके बाद पहला से लेके लिखना स्टार्ट कीजिए। ओके चलिए जब लिखे तो चलिए लिख लिया आप लोगों ने, गुड। अब एक बार मेरे साथ पढ़ेंगे, पहला है PEACH, पीच। पीच मीन्स पीची होता है या फिर हल्का गुलाबी रंग, ठीक है। उसके बाद है INDIGO, इसको पढ़ना है इंडिगो। इंडिगो मतलब होता है नीले रंग का, मतलब गहरा नीला। फिर है GOLDEN, गोल्डन, गोल्डन मीन्स सुनहरा, गोल्ड से गोल्डन बना है कलर। फिर SILVER, सिल्वर, सिल्वर में चांदी रंग, चांदी के जैसा या फिर रजत कलर, ठीक है। उसके बाद NAVY, नेवी। नेवी मीन्स होता है गहरा नीला, ठीक है, नेवी ब्लू। ओके चलिए अब मैं इसको वाइप कर रही हूँ, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं देखो अब है TEAL टील जो होता है वो हल्के गहरे नीले रंग का होता है, मतलब ब्लू और ग्रीन का जो मिक्स कलर होगा वो कहलाएगा टील कलर। ठीक है, नीले हरे रंग का मतलब नीला और हरा जो मिक्स होगा वो कहलाएगा टील कलर। ओके, फिर है CORAL कोरल। कोरल कलर जो है वो बोलते हैं मूंगा के रंग को। मूंगा एक रत्न होता है, जिस तरीके से रूबी डायमंड है ना ये सब रत्न है, उसी तरीके से मूंगा भी होता है जो कि लाल कलर का होता है। ठीक है, तो उसी का जो डार्क कलर है वो कहलाता है कोरल, मूंगा कलर या मूंगिया रंग का बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका अब है IVORY आइवरी। आइवरी पढ़ते हैं इसको, तो आइवरी मतलब होता है हल्के पीले रंग का। ठीक है, एक तो येलो हम लोगों ने पढ़ा कि पीला है, फिर हम लोगों ने पढ़ा गोल्डन जो कि सुनहला पीला होता है, और उसके बाद है आइवरी जिसका मतलब है हल्के पीले रंग का, मतलब पीला को बस टच करता हुआ, ज्यादा पीला नहीं। ठीक है, सालमन। सालमन जो है एक मछली का भी प्रजाति होता है। ठीक है, सालमन मछली होती है और सालमन मीन्स गेरुआ भी होता है। ठीक है, ऑरेंज में एक डार्क कलर आता है वो गेरुआ रंग कहलाता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा डार्क रंग वो होता है, तो सालमन मीन्स क्या हो गया, गेरुआ रंग। CRIMSON ठीक है, इसको पढ़ना है क्रिमसन, और क्रिमसन का मतलब होता है गहरा लाल रंग। ठीक है, रेड में डार्क रेड जो होगा वो कहलाएगा क्रिमसन, मतलब गहरा लाल। ठीक है, चलिए इसको भी जल्दी से नोट कीजिए। तो
चलिए लिख लिया आप लोगों ने, गुड। अभी वो मेरे साथ पढ़ेंगे। सिक्स है TEAL, टील। टील मीन्स नीले हरे रंग का, ठीक है, दोनों कलर का मिक्स जो होगा वो टील कलर कहलाएगा। फिर CORAL, कोरल। कोरल सॉरी, कोरल मीन्स मूंगा रंग का, ठीक है, मूंगा एक ये है, रत्न है। फिर IVORY, आइवरी। आइवरी मीन्स हल्का पीला, ओके। उसके बाद SALMON, सालमन। सालमन मीन्स गेरुआ रंग, ओके। उसके बाद CRIMSON, क्रिमसन। क्रिमसन मीन्स गहरा लाल रंग, ठीक है। चलिए, तो आज जो मैंने आपको कलर्स नेम लिखवाया है ये काफी नया आपके लिए होगा, क्योंकि आप लोगों ने इससे पहले इसका नाम नहीं सुना होगा, तो इसको क्या करेंगे, याद करेंगे, ठीक है। तो आपका होमवर्क क्या हो गया कि आज जो मैंने अभी कलर्स नेम आपको 10 लिखवाया है, इसको आप लोग लिखेंगे अच्छे राइटिंग में और फिर इसको याद करके घर पे सुनाएंगे, ठीक है। और जिन्होंने पिछला होमवर्क नहीं याद किया है वो पिछला होमवर्क भी याद करेंगे और साथ ही आज वाला होमवर्क भी याद करेंगे, ओके। चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।